नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ख़ास है, स्पेशल उन अकाउंटेंट लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग वर्क है वो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना स्टार्ट किया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, यानी कि उन्होंने पहली बार किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग वर्क है जो कंप्यूटराइज्ड स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने पहली बार स्टार्टिंग किया है या फिर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो आपको साल के दौरान अकाउंटिंग वर्क मेंटेन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है, ताकि आपको आगे जाके या इनकी जब फाइनेंशियल ईयर एंड होएगा 31 मार्च जब 23 आएगी तो तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को ना पड़े, अगर आज की वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देख ली तो। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सारी बेसिक्स बातें बताने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रेशर अकाउंटेंट गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम अकाउंटिंग में हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी बातें आपको जो मैं बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो यूज होती है वही आपको मैं बताऊँगा, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का पूरा देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई टेली सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं कर रहे, कोई बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं कर रहे, बात हम करेंगे भी जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त जिन जिन बातों का ध्यान में रखना होता है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर आप चाहे टेली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो भी आपके ऊपर ये पॉइंट लगोगे, चाहे बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो भी आपके ऊपर ये सारे पॉइंट लगोगे, या इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है सभी के ऊपर आपको ये प्रोसेस है जो फॉलो करना है, चाहे भी आपकी कंपनी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन करती हो, क्योंकि ये बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक है, न कि किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी कंपनी क्रिएट प्रॉपरली, यानी कि आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो कंपनी क्रिएट करने का प्रोसेस क्या हो गया। जैसे कि हम टेली सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन है, इसमें हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे ताकि आपके पास जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको इजीली समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जो पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट था भी जो हमारा कंपनी क्रिएट प्रॉपरली, यानी कि इसका मतलब ये हो गया भी जब हम मान लीजिए आप टेली सॉफ्टवेयर ही यूज करते हो और आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो सॉफ्टवेयर में, तो आपको सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा भी जो आपकी कंपनी का नाम है, जो आपकी कंपनी अगर GST के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो आपका रजिस्टर्ड नाम क्या है। आपको यहाँ पर कोई भी नाम शॉर्टकट यूज नहीं करना, जैसे कि आपके नाम आ गया स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं जैसे कि स्मार्ट लिख दिया, यहाँ पे ट्रेडिंग लिख दिया और साइड लास्ट में CO यहाँ पे इतना क्लिक के इसको छोड़ दिया। जो नाम आपका रजिस्टर्ड है GST के नंबर पे फॉर्म 3 के ऊपर, तो वो आपको नाम यहाँ पर पूरा लिखना है, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद में बात आती है एड्रेस की, तो एड्रेस आपको फुल डिटेल के साथ मेंटेन करता है, जितनी आप मैक्सिमम एड्रेस के अंदर आप डिटेल देख सकते हो कंपनी के अंदर वो प्रॉपर डिटेल आपको देनी है, शॉप नंबर चाहे आपका वो ब्लॉक वाइज है या आपका कोई भी नियर के अंदर कोई लैंडमार्क है, जैसा कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोई नियर कोई मंदिर या पार्क जो भी है, आप प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पर मेंटेन कीजिए। उसके बाद के अंदर आपको टोटल ये जो हमारी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो डिटेल होती है इसको आपको प्रॉपर मेंटेन करना है जितना पॉसिबल हो उसके, जैसा कि पिन कोड है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स अगर आप यूज़ करते हो तो लिख सकते हो, ईमेल एड्रेस कंपनी की वेबसाइट है, तो ये पूरा आपको लिखना है। ये लिखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग शुरुआत आपने करी दी तो आपको जैसी बात अभी आपके पास जो भी कस्टमर आएगा उसको इनवॉइस भी आप कंप्यूटराइज्ड ही दोगे, तो उस कंडीशन में जो भी आपने मैक्सिमम डिटेल्स कंपनी क्रिएट करते वक्त डाल रखी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टैक्स इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आती है। उसके डिटेल के बाद भी ये सारा आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको प्रॉपर पता है, ये भी 1 अप्रैल 22 से आपका स्टार्ट हो चुका है, बुक्स बिगनिंग भी आप 1 अप्रैल 2022 से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा मेन रह गया कंपनी का जो हमारा क्रिएट करने का प्रॉपर जो तरीका है वो सारी की सारी मैक्सिमम डिटेल के साथ। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं, डाटा लोकेशन इन सेफ ड्राइव, यानी कि जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं टेली सॉफ्टवेयर में तो आपने देखा होगा सबसे पहले आपका कंपनी का डेटा पाथ आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए भी आपका जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो उसका डाटा आपका जो सेव हो रहा है वो कौन से लोकेशन पे जाके हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सेफ ड्राइव ही रखनी है। जैसा कि अभी आप बाय डिफॉल्ट अगर आप टेली इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका ये
सी ड्राइव के अंदर डाटा जाता है, जबकि अब मैंने काफ़ी सारे वीडियो के अंदर ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भी कंपनी का जो भी आपका डाटा वो सी ड्राइव को छोड़ के आपकी जो सेफ ड्राइव है यानी कि जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि जो विंडो होती है उसके अलावा जो भी आपके पास सेफ ड्राइव है और वो ड्राइव उस ड्राइव के अंदर मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए भी टेली के डाटा के अलावा और कोई भी डाटा आप सेव ना करें, क्योंकि कई बार गलती से कुछ डाटा हमें डिलीट करना होता है तो हो सकता है गलती से हमारा ये टेली का जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो डिलीट हो जाए। तो कोशिश हम करें भी बिल्कुल जिस ड्राइव के अंदर हमने टेली का डाटा रख दिया उस ड्राइव के अंदर और कोई डाटा हम एक्स्ट्रा ना रखें। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज यहाँ पर कर लेना है, सी ड्राइव के अलावा उसको हटा के डी ड्राइव ई ड्राइव हम रख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इसकी पेन ड्राइव की लोकेशन दे देते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेन ड्राइव की डिटेल भी जो लोकेशन है वो भी नहीं देनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है यूएसबी जो सपोर्ट नहीं करता है उसकी वजह से आपका डाटा भी करप्ट हो सकते हैं। तो आपको जो सिस्टम के अंदर जो सेफ ड्राइव है जो खाली है एम्प्टी है उसके अलावा आपको कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके अंदर आपको डाटा सेव रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अगर पॉइंट नंबर हम 3 की बात करें, जीएसटी टीडीएस टीसीएस इनेबल विद प्रॉपर नंबर, यानी कि इसका मतलब ये होगा मान लीजिए आपने कंपनी क्रिएट कर ली, डेटा का लोकेशन वगैरह सब कुछ आपने सेव कर दिया, तो उसके बाद में क्या होगा जैसा कि हम ओपन कर लेते हैं कंपनी को, जैसे भी आप कंपनी करोगे तो सब कुछ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद में अगर आपकी कंपनी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की भी लाइबिलिटी बनती है, टीसीएस कलेक्ट करने की भी लाइबिलिटी बनती है, तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ F11 प्रेस करना है या आप कंपनी पे जाके यहाँ पर फीचर्स के ऑप्शन पर आ सकती हो। तो उसके बाद हमारे पास ये सारी टैक्सेशन से रिलेटेड डिटेल होती है जीएसटी की टीडीएस की और टीसीएस की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है जैसा कि जीएसटी हमने लिखा और जीएसटी के बाद के अंदर आपका स्टेट आपकी जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर है या फिर कंपोजिशन है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपकी खुद का जो कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी डिटेल बात आती है भी आपकी कंपनी जो GSTR1 है वो मंथली फाइल करेगी या फिर क्वार्टरली फाइल करेगी, तो ये डिटेल आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी पहले ही, क्योंकि कई बार आपकी कंपनी GSTR1 रिटर्न फाइल तो करती है क्वार्टरली लेकिन यहाँ पर अगर आपने मंथली दे दिया तो आपके जब भी GSTR1 ओपन करोगे तो सारी डिटेल आपको मंथली दिखाएगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉइंट के अंदर, लेकिन ये बातें GST की डिटेल के संबंधित। उसके बाद के अंदर जो भी आपका मतलब जीएसटी का जो ईवी बिल बनता है उसकी आप लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी के ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबल बनती है तो आपको ई इनवॉइस की जो एप्लीकेबल डिटेल है वो भी यहाँ पर आप सेट करना आपको पड़ेगा। उसी तरीके से हम टीडीएस की भी है और टीसीएस की भी आपको प्रॉपर आपके पास जो 10 नंबर है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो डिडक्टर टाइप है यानी कि आपकी जो खुद की कंपनी है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है। तो इस तरीके की सारी डिटेल आपको प्रॉपर यहाँ पर फिलअप कर लेनी है ताकि हमारे टैक्सेशन से संबंधित जब हम रिटर्न तैयार करें तो कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए। बात हम करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो क्रिएट प्रॉपर लेजर नेम विद प्रॉपर एड्रेस एंड जीएसटी पेन नंबर डिटेल के साथ, यानी कि जब भी हम सॉफ्टवेयर में हमारे जो कस्टमर है या जो हमारे सप्लायर्स हैं जब हम उनके लेजर हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें विशेष ध्यान में रखना, जैसा कि हमने लेजर पे जो नाम यहाँ पर हमें देना होता है वो नाम हमें प्रॉपर वो नाम देना है। अगर वो पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है तो आप उसे जो उसका लीगल नेम है वही आपको यहाँ पर लिखना है, न कि कोई शॉर्टकट नाम लिखना। प्रॉपर नाम के साथ आपको यहाँ पर प्रॉपर उसका ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद के अंदर डिटेल इसकी सारी यानी कि उसका नेम तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, उसके बाद में जो एड्रेस से संबंधित डिटेल है वो आपको प्रॉपर यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में आप इसके पेन नंबर की डिटेल आपको मांगनी पड़ेगी, तो पेन नंबर आपको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप भी जो रेगुलर है जो अनऑथराइज्ड है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो ये चीज़ रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर भी कंपोजिशन के अंदर है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, तो ये आपको यहाँ से प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद के अंदर आपका प्रॉपर उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ फिर फिलअप करना पड़ेगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक बार की मेहनत है। यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कोई भी लापरवाही कर दी तो ये आपको बारी बारी दिक्कत करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेजर का पूरा नाम प्रॉपर, उसका प्रॉपर से ही आपको ग्रुप का सिलेक्शन करना है, देन ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर फिलअप करनी होती है। क्योंकि मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, वो कस्टमर रजिस्टर्ड है, रेगुलर डीलर के अंदर है, जीएसटी नंबर है, प्रॉपर आप एड्रेस जो भी डालोगे तो जो आप उसको टैक्स इनवॉइस दोगे कंप्यूटराइज्ड सेल का, तो उस दौरान जो भी आपने डिटेल फिलअप कर रखी है कस्टमर की डिटेल के अंदर सारी की सारी उसके इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, वी क्रिएट प्रॉपर
स्टॉक आइटम क्रिएट विद प्रॉपर नेम ग्रुप यूनिट अल्टरनेट यूनिट के सभी के साथ, यानी कि जो कंपनी आपके स्टॉक आइटम यानी कि जो प्रोडक्ट सेल करती है तो उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन के अंदर प्रॉपर नाम देना है, जितना मैक्सिमम हम डिटेल के साथ दे उसका नाम हम दे सकते हैं। उसके बाद में उसका ग्रुप क्या रखेगा, ग्रुप आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता अभी स्टॉक आइटम का ग्रुप क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पर आपको ऑलरेडी अपलोड मिल जाएंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, आप टेली प्राइम की प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, उसके अंदर टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगे। ए टू जेड हर फीचर्स के बारे में मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है, विद प्रैक्टिकली वाउचर के साथ भी समझाया हुआ है, तो आप ये वहां से एक बार इसको विजिट जरूर कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक आइटम उसके ग्रुप की यूनिट के बारे में अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से जानना है तो वहां से आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद में इसकी स्टॉक यूनिट है, देन उसके बाद में इसकी जो भी डिटेल्स है, जैसा कि हमने कुछ स्टॉक आइटम का नाम लिखा और उसके बाद में ग्रुप आपको यहाँ क्रिएट करना होता है, उसके बाद में जो यूनिट है उसका डिटेल हम यहाँ पर सेट करना होता है, मेंटेनेंस बैच वाइज डिटेल्स है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल के अंदर सेटअप करना होता है। और उसके बाद में जीएसटी डिटेल, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था भी, प्रॉपर नेम ग्रुप की डिटेल के साथ में या प्रॉपर जो जीएसटी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, एचएसएन टैक्स का रेट है वो आपको, जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो जब जीएसटी डिटेल्स को हम यस करते हैं तो उसके सामने, उसके बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। उसके अंदर जो स्टॉक आइटम है उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे लिखना होता है, उसका जो एचएसएन कोड है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है, और उसके बाद के अंदर ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा टैक्स फ्री है या टैक्सेबल है तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में प्रॉपर आपको उसका टैक्स का रेट है जो सेलेक्ट करना है, ताकि हमारी जब एचएसएन वाइज जब समरी क्रिएट हो तो वो प्रॉपर अच्छी तरीके से क्रिएट हो जाए। तो ये हमारा 6 नंबर पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद के अंदर वाउचर नंबर हमारा 7, प्रॉपर वाउचर नंबर मेंटेन सीरीज वाइज, यानी कि जब हम कस्टमर को कोई भी सेल इनवॉइस इशू हम करते हैं या कोई रिसिप्ट हम इशू करके देते हैं या कोई क्रेडिट नोट है या कोई डेबिट नोट अगर हम इशू करना हो तो ये वो हमें प्रॉपर यहाँ पर ध्यान में रखना होगा भी वाउचर जो सीरीज है वो हमारी प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो भी एक कस्टमर आया उसको तो 9 नंबर दे दिया, जो नेक्स्ट कस्टमर आएगा तो उसको हमें 10 नंबर इनवॉइस देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैनुअल हमने 15 नंबर डाल दिया, कभी 17 डाल दिया, कभी कुछ भी डाल दिया, तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं मेंटेन करना है, आपको कंटिन्यूटी के अंदर मेंटेन करना है। अगर आप चाहते हो भी आप इस सीरीज के अंदर एक स्पेशल यूनिक कोड के साथ हम एक स्पेशल सेल की सीरीज तैयार करें तो उसके लिए भी वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको आप जरूर देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसी तरीके से जब हम कस्टमर को कोई रिसिप्ट हम देते हैं तो जो हमारा रिसिप्ट का नंबर है वो भी प्रॉपर हमारा कंटिन्यूटी के साथ रहना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है हर वाउचर के साथ जो हमारी तरफ से कस्टमर को प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसा कि सेल इनवॉइस हो गया, रिसिप्ट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, तो ये सारी हमें ही कस्टमर को देनी होती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो पॉइंट नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेली बैकअप प्रोसेस, यानी कि जो भी हमने वर्किंग करी है सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो हमें बैकअप डेली का डेली हमें लेना पड़ता है। जैसा कि हम डेटा पे जाते हैं तो डेटा के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे बैकअप का, और बैकअप पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है भी बैकअप आपको कहाँ पे रखना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो बैकअप का जो आपका पास है ये भी आपका उस विंडो वाले ड्राइव के अंदर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो आपके पास सेफ ड्राइव है उसके अंदर आपको मेंटेन करना है। और ये कोशिश आप ये कर लीजिए भी जिस ड्राइव के अंदर आपका डेटा सेव हो रहा है उसके अलावा आप बैकअप को सेव कीजिए, सेम ड्राइव के अंदर आप बैकअप को भी सेटअप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मान लीजिए वो जो हमारा ड्राइव है वो ड्राइव मान लीजिए डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, तो हमारा डाटा भी चला जाएगा और हमारा बैकअप भी चला जाएगा, तो हमारा दोनों का नुकसान हो सकता है। तो बैकअप हमारा अलग ड्राइव के अंदर है, डेटा हमारा अलग ड्राइव के अंदर है, मान लीजिए दोनों में से कोई एक डिलीट हो जाता है तो कम से कम एक से हमारा काम है जो चल सकता है, एक से हम डेटा को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमें विशेषकर ध्यान में रखना है भी हमें बैकअप है जो डेली का डेली लेना है। देन हमें डेली प्रिंट डुप्लीकेट सेल इनवॉइस और डे बुक, यानी कि जो भी हमने कस्टमर को जो सेल इनवॉइस हमने इशू किया है उसका हमें डुप्लीकेट प्रिंट साथ के साथ ही हमें प्रिंट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी चलो हमने कस्टमर को ये इनवॉइस इशू कर दिया, ओरिजिनल कस्टमर को दे दिया, दूसरा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है कंप्यूटर में, हमें प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत करना शुरुआत के दिनों में, तो यानी कि शुरुआत के दिनों का मतलब क्योंकि अभी आपको एक दोस्त फाइनेंशियल ईयर को तो आपको बिल्कुल साथ में प्रिंट रखना चाहिए और जो एक एज ए लीगली डॉक्यूमेंट आपके पास सेव रहेगा। तो आपको जब भी कस्टमर को आप इनवॉइस दो कंप्यूटराइड तो हमेशा प्रिंट की कमांड दो देना, ओरिजिनल की और डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट आपके पास रहेगा, ओरिजिनल आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा दोगे। तो ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है।
सेकंड जो हमारा प्रोसेस था ये डे बुक का प्रिंट, यानी कि डे बुक का मतलब ये हो गया भी जब भी हमने आज की दिन की जो भी प्रक्रिया करी है, हम जैसे डे बुक पे जाते हैं तो ये जो डे बुक का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि 31 मार्च 2022 आप देख रहे हो, तो आप 31 मार्च इस डे बुक का आप प्रिंट यहाँ से ले सकते हो ताकि आपके पास प्रूफ रहे। क्योंकि शुरुआत के दिनों के अंदर क्या होता है, जो फ्रेशर अकाउंटेंट है थोड़ा सा उसके मन के हेजिकेशन से भी रहती है भी कहीं डाटा को डिलीट ना हो जाए, गलती से कोई डेट चेंज ना हो जाए। तो अगर आपके पास सेल इनवॉइस के प्रिंट है, डे बुक के प्रिंट है, तो कल को डाटा कोई मिसप्लेस हो भी जाता है तो हम उसको डे बुक के अकॉर्डिंग उसको हम वापिस है जो सही तरीके से इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा, बैंक लेजर मेंटेन एंड मंथली स्टेटमेंट में, यानी कि ये भी आपके लिए कंपलसरी वर्क है। जैसा कि हमारा बैंक भी मेंटेन होगा बिजनेस के अंदर, तो उस बैंक की आपको मंथली आपको स्टेटमेंट है जो बैंक के साथ मैच कर लेनी है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कुछ चेक्स होते हैं जो हमने आज कस्टमर को दिया, कस्टमर ने 4 दिन बाद में लगाया है, या हमारे पास कोई चेक आया है 10 तारीख का चेक है बैंक के अंदर मान लीजिए, वो 12 या 13 तारीख को क्लियर हुआ है, तो ये जो आपका रिकंसलेशन है वो अच्छी तरीके से होता रहेगा। कई बार क्या होता है, हम 6 महीने के बाद 1 साल के बाद मेंटेन करते हैं तब तो कुछ हमारे पास याद ही नहीं रहता, क्योंकि कभी कई बार हमारे बैंक में बाहर से पेमेंट डिपॉजिट हो जाती है जो हमें पता भी नहीं लगता। तो हम मैच करेंगे तो हमें साथ के साथ हमारा कस्टमर के जो लेजर है वो भी प्रॉपरली तरीके से मेंटेन होते रहेंगे, अगर हमारा मंथली बैंक स्टेटमेंट अगर मेंटेन हो रहा है तो ये भी आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट है भी GSTR 2A 2B मैच हमें कर लेनी है बिफोर फाइल 3B, यानी कि जो भी हम रिटर्न हम तैयार कर रहे हैं, जो भी हमने परचेज की एंट्री करी है, जो भी हमारा बुक्स के अंदर यानी कि 3B के अंदर जो इनपुट हमारा हमें शो करता है, तो उसको भी हमें प्रॉपर ध्यान में रखना है भी इतना ITC आ रहा है, तो ये हमारा ITC है वो हमारे पोर्टल के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2A 2B के साथ अच्छी तरीके से हमें इसको मैच कर लेना है। और लास्ट पॉइंट जो हमारा 12 नंबर पॉइंट है भी एरर चेक बिफोर फाइलिंग GSTR 1 एंड 3B, यानी कि जब भी हमें हमारी टैली सॉफ्टवेयर से या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अगर आप कोई रिटर्न तैयार कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, ये जो करेक्शन नीड्स है, ये आपका पॉइंट है जो 0 यहाँ पर होना चाहिए, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी टाइप की एरर नहीं होनी चाहिए, एरर होगी तो ये प्रॉपर आपकी रिटर्न है जो सही तरीके से नहीं जाएगी। तो ये आपको चाहिए आप GSTR 1 आप अपने टैक्स प्रोफेशनल को भेज रहे हो, चाहिए आप GSTR 3B भेज रहे हो, तो ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है, ये आपका पॉइंट है जो 0 होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो में कुछ हमारी बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि एक फ्रेशर अकाउंटेंट को अपने एक शेड्यूल के अंदर इनको अपनानी होगी अगर आपको लंबे टाइम तक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेंटेन करना है और सेफ तरीके से करना है, ताकि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लास्ट टाइम में ऑडिटों के टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना, और वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।